चलो बात में आप तो वीडियो बनाओ। ये लोकेशन है, यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है। हेलो माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। अभी तक जो आप वीडियो देखते आ रहे हो उसमें आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि एक बर्थडे पार्टी की वीडियो है। यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कुलदीप सर जो हैं, केडी सर भी बोलते हैं इनको, इनका वेलकम हो रहा है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये किसका बर्थडे है, कहाँ मैं आई हूँ, क्यों वेलकम हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप और देखनी पड़ेगी आगे, तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि एग्जैक्टली मैं कहाँ हूँ, यहाँ क्या सेलिब्रेशन चल रहा है, और ये सब कौन है, मैं कितने दूर आई हूँ इस सेलिब्रेशन के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा आगे इस चीज़ के बारे में मैं बताती हूँ, तब तक आप उस वीडियो को देखो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ, किस फंक्शन में आई हूँ। मेरी फ्रेंड है जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिली थी, उनके बेटे का बर्थडे था, तो ये रहती है जयपुर में, और इन्होंने मुझे कॉल किया कि आपको आना है पीहू जी। यहाँ पर बहुत सारे थे जो मुझे जानते थे, प्यार करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने प्यार से मुझे बुलाया इन्होंने, तो मैं डेफिनेटली मुझे जाना ही था यहाँ पर। तो मैं जयपुर आई हुई थी यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। 30 अक्टूबर को मैं यहाँ पर पहुँची थी। हमने 2 से 3 दिन स्टे किया यहाँ पर, और स्टे करने के लिए बाद हमने यहाँ पर जो लास्ट डे था उस दिन बर्थडे सेलिब्रेशन किया। यहाँ पर देखो कितने प्यार से हमारा वेलकम किया गया है। केडी सर भी यहाँ पर आए थे, उनका भी इतने ही प्यार से स्वागत किया गया। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत इन्जॉय किया हमने। अनएक्सपेक्टेड लव यहाँ से हमें मिला, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हमें इज्जत भाव दिया, और एक तरीके से हम सब परिवार की तरह हो गए। जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रेंड से और अब एक पूरा परिवार बन चुके हैं। यहाँ पर देखो हम सारे फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर आरती है, उनके हस्बैंड हैं, पूनम है, उनके हस्बैंड हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। हम सब लोग इंस्टाग्राम पे मिले थे और आज देखो एक परिवार बन गए। सब ने बहुत हंसी मजाक किया। यहाँ पर आपको साड़ी में दिख रहे होंगे, क्रीम कलर की साड़ी में, ये पूनम जी की सासू माँ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एकदम परिवार की तरह इन्होंने हमें रखा, बच्चियों की तरह हमें ट्रीट किया। हम लोगों ने घर पर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, जो कि आप लोग लास्ट व्लॉग में देख ही चुके होंगे, जो कि मैंने अपलोड किया था। यहाँ पर परी को मैं बोल रही थी कि चलो परी आप भी पहनो इसको, तो परी नाराज़ हो गई थी, परी थोड़ा गुस्सेल है। यहाँ पर देखो हम सारे, आरती, पूनम, मैं, केडी सर, पूनम, आरती के हस्बैंड, पूनम के हस्बैंड, अरे अब आ गए हैं मेरे हस्बैंड। हम सब ने पिक्स क्लिक की, इंजॉय किया, गाना चल रहा था। गाना मैंने यहाँ पर एकदम बंद कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। अब देखो परी भी आ गई है, परी भी यहाँ पर एंजॉय कर रही है, और गाना चल रहा था, मैं जिस दिन जमानत बाहर आऊँगा, मेरी पिस्टल ते मैं तेरा लहंगा लाऊंगा। तो इस गाने पे हम लोगों ने थोड़ा डांस किया,
फिर आ गए डीजे पे। डीजे पे भी मैंने वॉइस ओवर सब कुछ कम कर दिया है क्योंकि यहाँ पर भी कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ पर सब देखो मिलके डांस कर रहे हैं, केडी सर के साथ मेरे हस्बैंड है, आरती हैं, जीजू हैं दोनों। यहाँ पर पूनम भी डांस कर रही है और मैं यहाँ पर साइड में बैठी हुई थी क्योंकि मैं कंट्रोल कर रही थी अपने आप को, डांस ना करूँ, लेकिन सब मुझे बोला करो। और जब एक बार डीजे पे मैं आ जाती हूँ फिर तो रुकने का नाम ही नहीं है, फिर तो मुझे है कि डांस करना है और गाना जब तक चलता है तब तक मेरे पैर रुकते ही नहीं है। यहाँ पर सारे गाने चल रहे थे, सब डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। आप लोग देखो, मिलते हैं आगे की स्टोरी पे या जर्नी पे। ये जितना भी हमने डांस किया है डीजे पे ये सारा मैं अपने चैनल पे डालूंगी, आप लोग इसको ज़रूर देखना, विद म्यूज़िक डालूंगी। लेकिन व्लॉग में मैं अभी रिमूव कर रही हूँ इसको, और व्लॉग वहाँ पर इतना ज़्यादा शूट हो नहीं पाया था इसलिए मैं जितना शूट कर पाई उसको एडिट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर केक कटिंग आ गई थी और ये जो है पिंक शर्ट में, ये पूनम जी के ससुर जी हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे मेरे सास ससुर है सेम वैसे ही इनका नेचर है, बहुत सपोर्टिव, बहुत प्यारे। ये इनका बेटा है जिनका बर्थडे है, पूरे 10 साल के हो गए थे। यहाँ पर पूनम भी घूंघट में है, सेम वही माहौल है जो हमारा माहौल है।
बताती हूँ, परी ने मुझे बोला मम्मी ये आपके फ्रेंड है आप जानती हो? मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ इनको। तो कहती मैं ना इनकी वीडियोस देखती हूँ, मतलब सॉन्ग्स देखती हूँ और मैं जानती हूँ उनको, आप मुझे भी मिलवा दो। तो मैंने केडी सर से इनको मिलवाया था परी को, और परी बहुत ज़्यादा खुश हुई। केडी सर ने बहुत अच्छे से मेरी बच्ची के साथ मिले, बहुत अच्छे से डांस किया, बहुत ही प्यार किया उसको। एंड उन्होंने कहा अच्छा ये आपकी बेटी है? मैंने कहा हाँ जी ये मेरी बेटी है। और फिर दोनों ने गानों पे डांस किया, मेरा बालम थानेदार।